नमस्कार दोस्तों, कीमती घड़ी तो बहुत लोग पहन लेते हैं, लेकिन उस घड़ी में दिख रहे समय की कीमत बहुत कम लोग समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम शनिदेव, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज आपका 26 नवंबर दिन शनिवार कैसा रहने वाला है, आपको आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा, और आपको बता दूं आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आज आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, और इसके साथ ही साथ आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, और दोस्तों आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आप भी अपनी राशि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। दोस्तों, आज शनिवार है, शनिदेव महाराज का दिन है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिख देना। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 26 नवंबर 2022 दिन शनिवार। आज की तिथि है तृतीया। आज का नक्षत्र है मूल नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। दोस्तों, आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:52 पर। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 5:24 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 10:47 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। अगर दोस्तों आपको कोई शुभ काम करना है इसी समय करिएगा, आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और इसके साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 1:11 से दोपहर 1:53 पर। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 5 और लकी कलर है केसरिया और पीला। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके राशिफल के बारे में। तो आप अपने मन को स्पष्ट और साफ रखिए, आगे सब कुछ ईश्वर देख रहा है, जिसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कल्पनाओं में ना बहिए और ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो 4 बड़े कांड आपके जीवन में होने वाले हैं, इन सभी से आपका अवगत कराने वाले हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगर कहें तो आज की वीडियो बिल्कुल ही ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप भगवान भोलेनाथ के हमारी तरह सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए जय महाकाल, जय हो शिव शंकर की। दोस्तों, अगर आप इस पल को गवा देंगे तो दोस्तों इस बार भी आपको ना खुश हो सकते हैं कि आपके भाग्य ने आपके इस मौके को भी ठुकरा दिया, क्योंकि दोस्तों ईश्वर ने इस धरती पर सभी लोगों को भेजा है और दोस्तों उनकी ही गणना उनकी कर्म से की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस धरती पर आप सभी से बड़े इंसान होंगे और आपसे छोटे भी इंसान होंगे, और दोस्तों भगवान उनके कर्म के अनुसार ही उन्हें फल देते हैं, उन्हें ऊपर लेके जाते हैं और दोस्तों किसी को नीचे लेकर के भी आते हैं। तो दोस्तों, ये मौका आपको मिला है, जो ये मौका आपको भगवान ने दिया है, इसमें दोस्तों बहुत ही गहरे तरीके से आपको काम करने की आवश्यकता है। और दोस्तों, जो ये खास बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपको सावधानियां बताने वाले हैं, इन्हें आप बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनिए। और दोस्तों, यूं कहें तो आपके जीवन में शुभ योग का निर्माण होने वाला है, जो आपकी कुंडली में काफ़ी खास योग बनाने वाला है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानने वाले हैं कि इस समय आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहना होगा, कौन से कार्य दोस्तों आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, भगवान माँ लक्ष्मी और शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में कौन से 4 बड़े कांड होने वाले हैं, जो आपके जीवन के लिए काफी खास रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। घर या फिर ऑफिस, आपको दोनों जगह आनंद मिल सकता है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर बहाना। दोस्तों के साथ में शाम शुक्र रहने वाली है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा खाने और मंदिरा पान करने से बचना चाहेंगे। बीते दिनों में जितना धन आपने आज को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों इन्वेस्ट किया है, उसका फायदा आपको जल्द ही इन दिनों में मिल सकता है।
इसके उपरांत दोस्तों आपके दिन खुशियों से भरे रहने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रयास कर सकते हैं। रोमांटिक मनोभाव में अचानक से आया हुआ बदलाव दोस्तों आपको काफी खिन्न कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों इससे पहले कि वरिष्ठों को पता लगे, लंबित काम जल्द ही आप निपटा लीजिए। इस राशि के छात्र छात्राएं अपने कीमती समय का दोस्तों दुरुपयोग कर सकती हैं। इन दिनों में आपको सावधान रहना होगा। इसके साथ ही दोस्तों आप मोबाइल या फिर टीवी पर आवश्यकता से जाया कर सकते हैं अपना वक्त। अपने जीवन साथी को समझने में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, जिसकी वजह से सारा दिन दोस्तों उदासी में गुजर सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी फैसला लेने के लिए अनुकूल समय चल रहा है, इसीलिए स्थिति में आपको अपना अनुकूल समय लगाना चाहिए। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में दोस्तों आपके महत्वपूर्ण कार्य भी सुचारू रूप से संपर्क होते रहेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि संतान पक्ष की तरफ से आप काफ़ी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में अमल करिएगा, तभी दोस्तों आप अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों आपको बता देते हैं एक और बात, मान्यताओं के अनुसार दोस्तों आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी आपके घर में अब आ चुकी हैं, इसलिए आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके लिए काफ़ी शुभ योग का निर्माण कर रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आप सभी को बता दें कि दोस्तों ये जो समय होगा आपके लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की आपको मिलने वाली है। और दोस्तों आपको बता दें कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। शनिदेव के लिए आप अपने जीवन काल में खास भक्ति रखते रहिए। जीवन काल में आपको शिक्षा नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में दोस्तों नई खुशखबरियां मिलने वाली हैं। और दोस्तों इस समय ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि दोस्तों आपके रास्ते पर बहुत सारे ऐसे लाभ के मौके मिलने वाले हैं, जिनमें आप कार्य भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों समय अब आपका जो बदलने वाला है, इनमें आपको वह गलतियां नहीं करनी है दोस्तों जो आपने पिछले समय में की हैं। और दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस समय आप महत्वपूर्ण फैसला सोच समझ कर ही लीजिएगा। और दोस्तों आप अपने विवेक से काम करने की वो आवश्यकता रहेगी, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आपने बहुत कोशिश की है, लेकिन आप फिर भी फटाफट अमीर नहीं हो सकते हैं। जल्दी से किसी लाभ या फिर मुनाफे का लालच बिल्कुल भी ना करें। व्यक्तिगत विवाद से निपटते हुए किसी का भी पक्ष नहीं लेना है। शांत रहिए दोस्तों, ध्यान करें कि सभी परिस्थितियों में आप खुद को संतुलित बनाए रखा जा सके। वीडियो में दी गई जानकारियों पर दोस्तों हम ये दावा नहीं करते हैं कि ये पूर्णतः सत्य एवं सटीक है, तथा इन्हें अपनाने से अपेक्षित परिणाम मिलेगा। इन्हें दोस्तों अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लीजिएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी, जय शनिदेव, जय शिव शंकर के नारे लगाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।